रांची पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार हिंदपीढ़ी इलाके में मस्जिद के पास कुछ अपराधी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और टीम ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों को फिलहाल जेल भेज दिया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक देसी हथियार भी बरामद किया है। इसकी जानकारी रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर दी। ये मामला जो है, ये सूचना मिली थी, ये लोग हथियार रखे हुए हैं और कोई क्राइम करने वाले हैं। इस सूचना पर ही जो है इनके घर छापेमारी की गई और जो है कबीर के घर से हमें जो है देसी कट्टा मिला, जो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है। और जब इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि इसे सोनू ने रखा है, एक्चुअली सोनू का वेपन है जो इसके पास रखा हुआ है। ये दोनों साथ ही क्राइम करते हैं। इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी लोग रंगदारी और आरक्षक में जेल गए हुए हैं। और एक जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है, जो छोटू रंगसाज की हत्या हुई है उसमें भी इनकी संलिप्तता छानबीन चल रही है। ये जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, थोड़ा ये जो है ये हम सुनना का विषय है।